हिंदुस्तान का झंडा बुलंद किया है, एक सूचना मिली कि वो नहीं है। देश के, विदेश के, अंतर्राष्ट्रीय रंगकर्मी डॉक्टर श्रीराम ठाकुर, हम इस समय डॉक्टर श्रीराम ठाकुर को याद करते हुए शो मस्ट गो ऑन, रंगकर्म कभी मरता नहीं, डॉक्टर श्रीराम ठाकुर देह से नहीं है, आत्मा से हम सब में समा गए। ऐसे में रंगकर्म का रुक जाना डॉक्टर श्रीराम ठाकुर के कार्य को बाधित कर देना होगा, इसलिए हम डॉक्टर श्रीराम ठाकुर को रंगकर्मियों की ओर से, शहर के तमाम रंग संस्थाओं की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज का 18 दिसंबर का अभिनवोत्सव डॉक्टर श्रीराम ठाकुर को समर्पित करते हैं। और उनके समर्पण के साथ हम अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, आमंत्रित करते हैं अपने कंपेयर्स को कि वो कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाएं। इसके पहले कि कार्यक्रम शुरू हो, दर्शकों से विनम्र निवेदन, कृपया अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे कर दें। आपकी एक घंटी पूरी प्रेक्षागृह को जगा देती है, रंगकर्मियों को जब आपकी घंटी सुनाई पड़ती है तो उनके दिमाग की घंटियां बजने लगती हैं, उनका रंगकर्म कहीं छूटने लगता है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट मोड पे कर लें, यदि बात करनी हो आवश्यक हो तो कृपया प्रेक्षागृह से वाह बात कर लें। बहुत धन्यवाद, कंपेयर्स आमंत्रित हैं।
अपने उत्सव की आज की शाम लेकर हाजिर है हम यही मैं प्रतिमा मैं वंदना स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। आज अपने उत्सव की आखिरी शाम पिछले दो दिनों में आपने बहुत कुछ देखा और सुना और साथ ही साथ गुना भी है। आज भी उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे मुख्य अतिथि हैं न्यायमूर्ति माननीय न्यायमूर्ति श्री राहुल चतुर्वेदी जी और अति विशिष्ट अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ जी और माननीय न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। साथ ही स्वागत है हमारे सुधीर दर्शक जनों का। कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलन से करते हैं हम, जिसके लिए संस्था के चेयरमैन श्री शैलेश जी को हम आमंत्रित करते हैं कि वो हमारे माननीय अतिथियों को लेकर दीप स्थल तक लेकर आए। लाइट निकाल लो। नहीं लाइट ना चलो, इसीलिए क्या ऑटो कर लेना, ऑटो नहीं चलेगा। हेलो बुला लाइट लगा दो। क्षमा आज हमारे मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री हमारे बीच श्री हरिदत्त डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी भी हैं और वो अगर हो और हमारे इस कार्यक्रम में उनका सहयोग ना हो ये तो हम सोच ही नहीं सकते। तो माननीय शर्मा जी से अनुरोध है कि प्लीज आए। बहुत बड़ा सहयोग मिलता रहा है हमेशा से हमें और बहुत बड़ी एक मेघदूत की जो प्रस्तुति रही है वो माने हरिदत्त शर्मा जी की वजह से ही संभव हो पाई है। और आप संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, जो भी इलाहाबाद के निवासी हैं वो तो जानते ही होंगे। तो और ये दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। धन्यवाद आप सभी का। पिछले दिनों की तरह आज के कार्यक्रम का अगला चरण है एक प्रस्तुति का, क्योंकि हमारी अभिनव रंगमंडल की ये परंपरा रही है कि हम अपने जो सदस्य हैं उनको इस तरह तैयार करते हैं ताकि वो कोई भी नई से नई विधा सीख सकें और उसको प्रस्तुत कर सकें। तो एक बहुत बड़ा इवेंट हमारे यहाँ हुआ था माइंड शो का, तो जिसमें उनको सिखाया गया और सारे सदस्यों ने बहुत रुचिकर ढंग से उसको सीखा भी और समझा भी, और कितना सीखा है कितना समझा है ये लेकर आ रहे हैं वो अपनी प्रस्तुति के माध्यम से। तो माइंड शो के बारे में जो थोड़ी सी जानकारी है उसको लेके हमारे साथ हमारी सहयोगी रेखा श्रीवास्तव जी कंचन पांडे, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको पहले हो जाए, उसके बाद हमारे जो सदस्य हैं वो अपनी प्रस्तुति लेकर आपके सामने हैं। धन्यवाद। किरदार बदल गए मगर आप नहीं, रंगमंच नहीं, हमारी विचारधारा नहीं, बस बदलने दीजिए स्वरूप को। बदलता जाता है ऐसे ही वर्ष दर वर्ष और अभिनवोत्सव के 40 वर्ष की पूर्णता पर हम उत्सव कर रहे हैं। आज इस श्रृंखला का तीसरा दिन है। हर दिन नाट्य विधा के अनोखे रंग से हम परिचित हुए। तो सबसे पहले स्वीकार कीजिए मेरा रेखा का और मेरा कंचन का नमस्कार। अच्छा कहो कंचन, बचपन का वो दौर जब मेहमान के सामने बिस्कुट की प्लेट आती थी और हाथ फेरने की जो ख्वाहिश होती थी तो माँ के इशारे पर थम नहीं जाती थी। बिल्कुल। या फिर यौवन का वो दौर जब लोगों से भरे कक्ष में भी आंखों ही आंखों में प्रेमी प्रेमिका की बात हो जाती थी, कुछ इस तरह। तहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत रजिया भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। क्या ये महज
इशारे में जाने अनजाने हम नाट्यशास्त्र के विधा का हिस्सा नहीं बन रहे थे। बिल्कुल, हाव भाव और संकेतों की भी एक अपनी जुबान होती है, मौन की भी एक भाषा होती है, जो समझना इतना भी कठिन नहीं, क्योंकि वो बातें तो हमारी आपकी ही होती हैं, हमारे बीच से ही निकली होती हैं। बिल्कुल, इस अनोखे भाव प्रधान प्रस्तुति को नाम दिया गया माइम। प्रारंभिक काल में 20 देश थे, माइम ने एक अपनी पहचान स्थापित कर ली। पर कला किसी दायरे के बंधन से परे है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के दायरे तोड़ माइम का प्रदर्शन हर ओर पसंद किया जाने लगा। और अपने दर्शकों के लिए जो प्रस्तुति हम आज लेकर के आए हैं, उन्हें यदि भारत देश का माइम सम्राट कहे जाए तो अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी। जनाब मोइनुल हक शाह साहब, इनका हुनर किसी परिचय का मोहताज तो हो ही नहीं सकता, और आज हम सब सौभाग्यशाली हैं जो इनके निर्देशन में इन्हीं की अभिकल्पित प्रस्तुति का आनंद लेंगे। मूक भंगिमाएं हास्य तो उत्पन्न करती हैं मगर विचारों को झिझोड़ती भी हैं। हर विषय हास्य ही उत्पन्न करें यह आवश्यक नहीं। हालांकि माइम की शुरुआत हास्य प्रस्तुतियों के लिए ही हुआ, पर कालांतर में ये गंभीर विषयों को भी प्रस्तुत करने लगे। हाँ, इनकी मौखिक साज सज्जा कुछ ऐसी अनोखी होती है जो जहन में कहीं ना कहीं इस तरह से बस जाती है और रह रहकर हमें एहसास दिलाती है कि उस अनकही बात की जो आंखों से ही शोर कर रही होती है। कुछ विषय रेखा जी इतने समसामयिक और ज्वलंत होते हैं कि उनका जिक्र बार बार किया जाना जरूरी हो जाता है। विधा चाहे कोई भी हो, मकसद ये है कि संदेश आप तक पहुंचना चाहिए।